गाइस आप लोग जानते हो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बिहार जाऊंगा, ठीक है, काम करने के लिए। तो गाइस बहुत से ऐसे लोगों ने, जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाला था ना, तो बहुत से ऐसे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार तू बिहार जाके क्या काम करेगा। ए भाई, बिहार जाके कुछ काम नहीं है, बिहार में क्या, तब आदमी सब ऐसे भूखे मरता है, बताओ। तो गाइस मैंने बिहार आया ना तो ऐसा ऐसा मुझे सुनने को मिला। लेकिन जानते हो मेरा बिहार आके ना थोड़ा सा किस्मत भाई बदल गया, मेरा किस्मत चेंज हो गया भाई। ये मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हुआ, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को YT स्टूडियो अपना दिखाना चाहता हूँ। ये रहा मेरा मोबाइल, मैं YT स्टूडियो अपना ऑन करता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, गजब का सीन हो गया भाई, मेरा चैनल पूरा ग्रो कर गया। जानते हो अर्निंग वगैरह मैं दिखाऊँ ना, तो गाइस दो दिन में यहाँ पर भाई डेली $4-5 करके बन रहा है। अभी गाइस मैं बिहार से आने से पहले एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, जब मैं भाई बिहार आ रहा था, धनबाद स्टेशन पे बैठा हुआ था। गाइज उस टाइम मेरे चैनल पर लगभग 29,400 सब्सक्राइबर्स थे। एंड दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो मेरा 2 से 3 दिन यहाँ पर वीडियो खाली बनाया हुआ हुआ, भाई 30,000 तक सब्सक्राइबर्स पहुँच गए। अभी मैं अगर आप लोग को व्यूज़ की बात करूँ ना अगर चैनल पर, क्यों बढ़ाई अभी मैं रीज़न आप लोग को बता दूंगा। देखो यहाँ से मैं आया, देखो इस दिन, ठीक है, बिहार जा रहा हूँ, देखो 25,000, 3,500, 3,000, 17,000, 3,000, 2,500, ये तो आज जाएगा भाई। मतलब क्या बताऊँ, चैनल पे 4 चांद लग गया, वो आप लोगों के सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब बताओ यार मेरा बिहार आना गलत हुआ कि सही हुआ, अब बताओ कैसे मेरा ये हुआ, ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट दोस्तों देखो, मैं बिहार आता और अगर कंटिन्यू काम नहीं करता तो क्या मेरा चैनल चल पाता, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं बिहार आया, कंटिन्यू काम किया, उसके साथ जानते हो मुझे क्या बेनिफिट मिला, कंटिन्यू काम करने से तो बेनिफिट मिलता ही दोस्तों, लेकिन मुझे बिहार आने पर ना बहुत ऐसे क्रिएटर मिल गए हैं भाई साहब, जिनके साथ कि मैंने आपसी थोड़ा सा भाई मतलब दोस्ती बनाया, बहुत कुछ सीखा उन लोगों से, बहुत कुछ जाना। भाई अगर आप घर में बैठ के रहोगे ना तो वहीं तक दब जाओगे, ठीक है, थोड़ा बाहर निकलना सीखोगे ना तो बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। आप जिस प्रकार से लोगों से मिलोगे ना उस प्रकार का आपको नॉलेज मिलेगा। गाइज ऐसे ऐसे क्रिएटर से मैंने मिला, थोड़ा सा मैंने भी उनको ज्ञान दिया, थोड़ा सा उन्होंने भी मुझे ज्ञान दिया। अभी से हुआ क्या गाइज, मेरा चैनल भाई मतलब कहाँ था, अभी जानते हो अर्निंग दिखाओ, देखो डेली का अर्निंग इधर दिखाओ, अर्निंग दिखाता हूँ, देखो भाई अर्निंग कहाँ से कहाँ चढ़ गया, दिख रहा ना, देखो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, देखो अर्निंग कहाँ से कहाँ चढ़ गया, ऐसे भाई पहाड़ देख रहे हो कैसे, कितना नीचे था और कितना ऊपर चल गया, देखो दिखाता हूँ। देखो भाई साहब एक दिन में भाई 300-300, 200-200 ऊपर बनने लगा, मतलब यार व्यूज़ देखोगे, देखो व्यूज़ दिखाता हूँ मैं आप लोग को, देखो इधर सब्सक्राइबर्स देख रहे हो भाई, एक दिन में 150-200 बढ़ने लगा। बिहार आने के बाद मेरा पास, मेरा साथ ये सीन हुआ, ठीक है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देख लिया आपने सब्सक्राइबर्स, अब मैं आप लोग को व्यूज़ दिखाता हूँ। ले भाई साहब देखो डेली का कितना व्यूज़ आ रहा, 20,000, 21,000, इधर देखो इधर 23,000। अब बताओ दोस्तों मेरा बाहर आने से फ़ायदा हुआ कि नहीं, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप भी कहीं से हो तो बिहार ही आ जाओ, नहीं यार, थोड़ा घूमना सीखो, जिस फील्ड से मैटर करते हो ना, जिस फील्ड से रिलेटेड कैटेगरी बनाते हो ना, उस दोस्त से मिलना सीखो। अगर आप मान लो कि अर्निंग कैटेगरी है आपका चैनल का, तो अर्निंग वाले बंदों से मिलना सीखो, वो लोग बहुत आपको नॉलेज बताएंगे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान ना सबके पास अलग अलग टाइप का होता है, तो जैसे मिलोगे उतना बेनिफिट होगा। गाइस मैं यहाँ पर आके तो बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ, जो कि आप लोगों के सामने है। मेरा डेली का व्यूज़ जैसे 7,000-8,000 आते थे ना, अभी 20,000-25,000-48-24 घंटे का व्यूज़ आता है भाई। अब बताओ, खैर आप लोग का भी प्यार सपोर्ट है, एंड 30K भाई जल्द होने वाला है। आप लोग को मैंने बोला था कि मेरा 30K कंप्लीट होगा तो मम्मी पापा को लेके देवघर में जाऊंगा, और इस टाइम पे भाई कंप्लीट हो गया ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। मतलब मेरे पापा दुकान लगाते हैं, ठीक है, मेला में, अभी श्रावण चल रहा है ना, तो मेरा भी घर के सामने मंदिर है, वहाँ मेला लगाते हैं। बट कोई नहीं यार, जैसे ही मेला पार होगा 30K तो हो ही जाएगा, और 30K में मैं मम्मी पापा को बोला हूँ तो ज़रूर देवघर लेके जाऊँगा, और वहीं पर जो भी अपना है खुशी मनाऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।